हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम फिर देखेंगे, जैसा कि देख रहे थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड करंट, अल्टरनेटिंग करंट। जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि हम मैकेनिक्स पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो मैकेनिक्स वाला लेक्चर हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं, उसके बाद हम EMI AC तक पहुंचे हैं। तो आप पहले वो वीडियो जरूर देख लें। तो मैकेनिक्स में हम बहुत सारे टॉपिक को हिट किए हैं और बहुत ज्यादा हिट किए, जिसे आपको मिल जाएगा इस पे रोटेशन का वीडियो मिल जाएगा, रोटेशन, ग्रेविटेशन, SHM मिल जाएगा आपको, और कॉलिजन तो चैप्टर नहीं है, उसके बदले हमारा चैप्टर ये जो है इंपल्स एंड मोमेंटम, सारा कॉलिजन इसी में आ जाएगा आपका, इंपल्स एंड मोमेंटम, वर्क पावर एनर्जी, इस पे भी बहुत सारा क्वेश्चन किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ 12th वाला को टॉपिक को ही हिट कर रहे हैं, बस एक टॉपिक और जो ही हिट करना है वो है आपका मॉडर्न फिजिक्स। और अगर टाइम मिलेगा तो ठीक है, एक बार फिर इसको हम रिव्यू करने का कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ 12th वाले पे ध्यान दे रहे हैं, 11th वाले पे ध्यान नहीं दे रहे, पहले हम वहीं से आए हैं, मतलब 11th पार्ट को हम पहले हिट किए हैं, SHM जो कि सारा क्वेश्चन उसका प्रीवियस ईयर का, PYQ का सारा क्वेश्चन हम पहले उसको हम कवर अप कर चुके हैं। तो कोई जो भी लिख रहे हैं कि मैकेनिक्स पे हम फोकस कर नहीं कर रहे, तो पहले हम उस पर कर लिए हैं, उसके बाद क्योंकि इससे ज्यादा मतलब IQ सीरीज में हम पहले मैकेनिक्स वाला पार्ट को हम पहले कवर अप कर चुके हैं, तो वो वाला वीडियो आप जरूर देख लें। उसमें कुछ टॉपिक जैसा है COM, इस पे हम एक ही चैप्टर जो कि हम इसमें स्किप किए थे वो है आपका सेंटर ऑफ मास, बाकी सारा टॉपिक को हम ऑलमोस्ट हिट कर चुके हैं। और ये 12th वाला सीरीज, ये 12th वाला यानी EMI AC के बाद फिर मॉडर्न फिजिक्स, उसके बाद टाइम मिलेगा तो हम मैकेनिक्स पे ही आएंगे, उसके बाद मैकेनिक्स का बहुत सारा प्रॉब्लम हम करने का कोशिश करेंगे। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स वो भी हम कवर अप कर चुके हैं, 17 लेक्चर इसी पे आपका, उसका हम प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं। तो वो मैकेनिक्स वाला पार्ट हम पहले कवर कर चुके हैं, और जो सीरीज पहले चल रहा है 12th पार्ट का, तो पहले ये कंप्लीट होगा उसके बाद हम उसको हिट करने का कोशिश करेंगे। तो पहले मैकेनिक्स हम कवर अप कर चुके हैं, अब हम देखते हैं EMI और AC का। ये बहुत कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, और भी बहुत सारे कंसेप्चुअल प्रॉब्लम, जो कि EMI बहुत बड़ा चैप्टर है, EMI AC, इसलिए दोनों को हम एक साथ कवर कर रहे हैं। उसके बाद फिर आपके लिए बचेगा मॉडर्न फिजिक्स, उस पर हम फोकस करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। तो यहां पे इसको हम आगे कैरी ऑन करेंगे, तो यहां तक हम प्रीवियस लेक्चर में बात कर चुके थे। तो क्या था, तो एक कैपेसिटर था, इसका मतलब ये जो प्रीवियस लेक्चर में जो क्वेश्चन कर रहे थे उसी को हम आगे कैरी ऑन करेंगे। तो इस प्रॉब्लम में हमें ये देखे थे कि दो वायर है, दो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, एक B1 है, एक B2 है, इसके बीच में एक कैपेसिटर है जिसका एरिया आपको A दिया हुआ है, ये आपको A है, ये साइड लेंथ A, ये भी साइड लेंथ A, और ये भी, यानी तीनों के बीच में 3A का डिस्टेंस है। तो हम क्या किए, हम ये निकालने का कोशिश किए कि इसके वजह से इस कैपेसिटर जिसका एरिया A है, यानी कि जिसका एरिया A है जो कि इन दोनों इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के बीच में है, बीचों बीच में है, यानी इधर से भी A, इधर से भी A, तो हम क्या निकालने का कोशिश किए, इस वायर के वजह से। तो जैसा कि हम म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करते हैं, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, करंट का चेंज इसमें हम करेंगे, करंट का चेंज इसमें करेंगे, इसके करंट के चेंज से इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, और मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज होगा तो इसके अंदर इंड्यूस्ड EMF जनरेट होगा। तो हम करते क्या है, दो वायर लिए और दोनों में जो करंट का डायरेक्शन है वो अपोजिट है, तो इसमें हम बात पहले कर चुके हैं कि डायरेक्शन अगर सेम होता, इसके वजह से, अब ध्यान से देखिए, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस, ये सब बात हम पहले कर चुके हैं, फिर भी हम इसको कवर करने का फिर भी कोशिश करेंगे कि प्रीवियस लेक्चर में कहां तक हम बात किए थे। तो ये आपका थंब जो डायरेक्शन है, इट इज अ डायरेक्टेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दिस पाम इज डायरेक्टेड अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, एंड दिस फोर फिंगर विच इज डायरेक्टेड अलोंग द पोजिशन वेक्टर वेयर यू हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है, तो क्या है, ये थंब का डायरेक्शन है, ये आपका डायरेक्शन क्या दिखाएगा, करंट का, तो करंट ऊपर जा रहा है तो थंब इधर है,
और ये फोर फिंगर है जिस पॉइंट के अबाउट आपको क्या निकालना है, फोर फिंगर विच इज डायरेक्टेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पोजिशन वेक्टर। पोजिशन वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा इनिशियल टू फाइनल पॉइंट होता है। तो यहां से हम क्या इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड, तो थंब का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन, फोर फिंगर पॉइंटेड अलोंग द पोजिशन वेक्टर जिस पॉइंट के अबाउट आपको निकालना है, और ये पाम इज डायरेक्टेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, क्रॉस होगा। और एग्जैक्टली इसके वजह से क्रॉस होगा, तो ऐसे करेंगे तो इसके वजह से इधर क्या हो जाएगा, इसके वजह से भी इधर क्रॉस हो जाएगा, यानी कि दोनों के वजह से क्रॉस हो गया। अब यही इस डायरेक्शन में होता तो क्या लिखते, ऐसे, तो इधर क्या हो जाता, इधर क्रॉस होता, तो इधर क्रॉस होता तो इधर क्या हो जाता, डॉट होता। तो सिंपल सा बात है कि अगर डायरेक्शन सेम है तो क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो यही जो है आपका ईएमआई के ही कंसेप्ट से आप देखते हैं कि नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल को क्या करता है, रिपेल करता है। मतलब कि दोनों अगर लाइक एक दूसरे, मतलब दोनों में करंट का फ्लो सेम डायरेक्शन में है, तो एक दूसरे के लिए क्या है, लाइक करंट है। तो लाइक करंट रिपेल इच अदर, मतलब इसके वजह से क्या हुआ, इधर क्रॉस यानी मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस में है तो इधर मतलब एक दूसरे को जब ये अपोज करता है तभी कंसेप्ट हम लाते हैं कि नॉर्थ पोल को क्या करता है, रिपेल करता है, और नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है। तो डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो ये क्या हो जाएगा, अनलाइक हो जाएगा। तो उसीलिए कहते हैं अनलाइक पोल अट्रैक्ट इच अदर। तो अट्रैक्ट इच अदर मतलब इसके वजह से भी इधर क्या है, क्रॉस है, यानी दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, स्ट्रेंथन कर रहा है। और यही अगर डॉट होता तो एक दूसरे को क्या करता, अपोज करता है। तो जब डायरेक्शन सेम हो मतलब लाइक हो, जब लाइक हो तो ये क्या करता है, रिपेल करता है, और जब अनलाइक हो तो अट्रैक्ट करता है। इसीलिए कहते हैं लाइक पोल्स रिपेल इच अदर, अनलाइक पोल अट्रैक्ट इच अदर। तो वो कंसेप्ट यहीं से बिल्ड होता है कि दोनों में डायरेक्शन सेम है, इट मींस वो लाइक है। तो जब दोनों के में डायरेक्शन सेम हो तो वो क्या करता है, रिपेल करता है, और जब डायरेक्शन अपोजिट हो तो वो अट्रैक्ट करता है। अब यहां तक बात सीखे, इससे क्या रिजल्ट पे फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। इसके वजह से इस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, दैट इज B1, और इसके वजह से जो निकालेंगे B2, तो दोनों ऐड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये आपका क्या है, अनलाइक है, एक ऊपर जा रहा है तो दूसरा नीचे, तो अनलाइक क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड होगा क्या, तो एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है किसी भी पॉइंट के अबाउट, तो वहां से हमको क्या चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जब भी हमको कोई भी इनफाइनाइट वायर लेना होता है तो उसमें क्या करते हैं, हमको करंट चाहिए और उस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ए। अब ध्यान से देखिए, ये वाला डिस्टेंस अगर हम यहां से लेते हैं, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस, क्योंकि हमको क्या चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहां पर हम क्या ले लिए, यहां पर एक एलिमेंट ले लिए, सपोज दैट कंसीडर एन एलिमेंट विच इज एक्स डिस्टेंस फ्रॉम द वायर फर्स्ट। अब इससे x डिस्टेंस पे है तो रेस्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल 3a है तो 3a माइनस एक्स। तो यही किए, एक एलिमेंट लिए, क्योंकि ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, वेरिएबल है कि डिस्टेंस चेंज कर रहा है। जब डिस्टेंस चेंज कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज करेगा। तो क्या किए, कंसीडर एन एलिमेंट, जब हर चीज वेरिएबल हो, जब कोई भी चीज वेरिएबल हो तो हम क्या लेते हैं, एक एलिमेंट लेते हैं। तो यहां से एक एलिमेंट पार्ट लिए जो कि x डिस्टेंस फ्रॉम B1, तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए, तो μ0/4π, ये तो कांस्टेंट टर्म है, आई करंट है, बाय एक्स, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, और थीटा 1 दैट इज इक्वल टू थीटा 2 दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां से वैल्यू क्या आ जाएगा, यहां से आपका वैल्यू ये आ जाएगा। ऐसे B2 दोनों में सेम ही होगा तो क्या हो जाएगा, थीटा 1 दैट इज इक्वल टू थीटा 2। अब इसके वजह से भी क्या, ये डिस्टेंस अगर एक्स है तो ये 3a माइनस एक्स हो जाएगा, तो B1 और B2 का वैल्यू हम निकाल लिए। क्योंकि दोनों क्या है, अनलाइक है, तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाएगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड यहां से आपका क्या आ जाएगा, तो दोनों को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड
ड्यू टू इनफाइनाइट वायर B1 and B2, Wire 1 and Wire 2, ये आपका वायर वन है और ये आपका वायर टू, तो क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा B1 plus B2। अब दोनों को अगर ऐड कर लें तो बहुत, अब ये क्वेश्चन इजी हो गया। अभी हमको इंड्यूस EMF तक पहुंचना है। इंड्यूस EMF वाला कंसेप्ट क्या है, तो इसमें हम करंट चेंज करेंगे, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड, इसीलिए कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। तो इसमें यहां हम क्या करते हैं, करंट का चेंज करते हैं, और ये सारा खेल चेंज के वजह से होता है। करंट में चेंज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड, बी फील्ड में चेंज होता है, इसके वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ कि नहीं। अब इसके अंदर करंट चेंज होगा तब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस तो बढ़ने वाला नहीं है, डिस्टेंस तो कांस्टेंट है ना। ये अगर बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। तो ध्यान से देखिए, करंट चेंज हुआ तो करंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज हुआ तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, और मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज हुआ तो क्या हो जाएगा, इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। ये कंसेप्ट है। तो इंड्यूस्ड इसमें क्या हो जाएगा, ईएमएफ जनरेट होगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, B1 plus B2 μ0/4πIx, और ये आपका क्या हो जाएगा, यहां पे 2 हो जाएगा, प्लस μ0/4πI/3a-x, यहां भी 2 हो जाएगा, ये कॉमन हो गया। तो यहां से आपका कॉमन क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड μ0/2π, आई कॉमन ले लेते हैं, और यहां से आपका क्या आ जाएगा, 1/x प्लस 1/3a-x, ये आपका आ गया मैग्नेटिक फील्ड। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर करंट जो है चेंज कर रहा है, बिल्कुल चेंज कर रहा है, और चेंज किस रेट से कर रहा है, तो इस रेट से चेंज कर रहा है, I0 sin ωt, यानी कि साइनोसाइडल इसका फंक्शन है, यानी साइन का जो फंक्शन होता है ये वाला फंक्शन, इस टाइप का फंक्शन है इसका, यानी कि ये इसमें जो करंट है वो चेंज कर रहा है। तो करंट जब चेंज कर रहा है तो उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, अभी आ गया मैग्नेटिक फील्ड। अब हम आते हैं फ्लक्स, इसको कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, बी फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू क्या होता है, जैसा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है E डॉट A एरिया वेक्टर, वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाता है, B डॉट A। जब से मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाता है, B डॉट A, B आपको पता है। अब इसका एरिया निकालेंगे, क्योंकि हम यहां से क्या लिए हैं, एलिमेंट लिए हैं, तो इसका सिंपल सा बात है, एक साइड तो कांस्टेंट रहेगा, एक साइड ए है, और दूसरा साइड का क्या हो जाएगा, इसका थिकनेस क्या हो जाएगा, dx। तो अब हम निकालते हैं फ्लक्स, अभी तक हम मैग्नेटिक फील्ड निकाले, अब हम फ्लक्स निकालते हैं, क्योंकि फ्लक्स मैग्नेटिक, यहां पे आपका क्या है, करंट चेंज कर रहा है, और करंट किस रेट से चेंज कर रहा है, दैट इज इक्वल टू I sin ωt, इस रेट से ही चेंज कर रहा है। तो यहां से अगर हम इसका वैल्यू निकालते हैं, किसका, मैग्नेटिक फील्ड तो निकाल लिया, फ्लक्स चलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स बी फ्लक्स दैट इज इक्वल टू B डॉट A। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आपको पता है μ0/2πI, और यहां पे आपका क्या है, 1/x plus 1/3a-x, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड हुआ। एरिया क्या हो जाएगा, A into dx, ये इसका एरिया हो गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, तो ये आपका आ जाएगा μ0/2πI। तो यहां से आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 3a-x into x, और यहां पे आपका क्या हो जाएगा, दोनों को अगर ऐड कर लें तो यहां से आपका क्या हो जाएगा,
ये आपका 3a माइनस एक्स, ये आपका x, तो x से x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगा a इंटू एक्स डी एक्स, और ये आपका क्या हो जाएगा b फ्लक्स, जो कि चेंज कर रहा है अब x का वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसको इंटीग्रेट कर देंगे, बोथ साइड इंटीग्रेट कर लेंगे। तो इंटीग्रेट अगर हम करें तो क्या हो जाएगा, म्यू नोट बाय टू पाई करंट आई, और यहाँ x से x कैंसिल, तो 3a डिवाइडेड बाय 3a माइनस एक्स इंटू एक्स ए इंटू डी एक्स। अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं और a का वे आप ध्यान से देखिए, x जो इसका क्या है थिकनेस, x क्या है यहाँ पे डी एक्स क्या है यहाँ पे थिकनेस, तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू निकाल लें तो क्या हो जाएगा, बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कॉन्स्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा, म्यू नोट बाई टू पाई थ्री ए आई, और ये आपका a यहाँ से बाहर चला जाएगा, तो ये आपका 3a, ये बाहर चला जाएगा a इंटू एक्स और 3a, तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ये ए स्क्वायर हो जाएगा और अंदर चला जाएगा डी एक्स 3a माइनस एक्स इंटू एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, अब ध्यान से देखिए डी एक्स का वैल्यू क्या कितना मैक्सिमम हो सकता है, तो जीरो और मैक्सिमम क्या हो सकता है, तो मैक्सिमम आपका हो सकता है a। अब हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे, अब हम इसको अगर इंटीग्रेट करें तो म्यू नोट बाई टू पाई थ्री ए स्क्वायर करंट आई, और ये डी एक्स थ्री ए माइनस एक्स इंटू एक्स, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपका वैल्यू क्या आएगा। अब इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान है, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन बहुत बेसिक सा इंटीग्रेशन है, एक बार हम इसका इंटीग्रेशन बता देते हैं, लाइक इंटीग्रेशन बहुत टफ नहीं है। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या इसको लिख सकते हैं, तो इसको हम वापस से पहले वाले टर्म में इस टर्म में हम लिखने का इसको कोशिश करें, जिस टर्म में ये पहले था, अब इस टर्म में हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिए इसमें क्या करेंगे, म्यू नोट बाय टू पाई ये वाला जो कॉन्स्टेंट टर्म है ये बाहर, और ए भी था ये भी बाहर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ये आपका हो जाएगा dx by x, और यहां पे क्या हो जाएगा प्लस dx by 3a माइनस x, इसको हम इस टर्म में लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए इस टर्म में आपको इंटीग्रेशन करना आसान हो जाएगा, जब इस टर्म में हम लिखेंगे अब इसको इंटीग्रेट करना आसान है। अब आपको पता है फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये बहुत बार हम बता भी चुके हैं, तो इसका इंटीग्रेशन आपके लिए बहुत आसान है, म्यू नोट बाई टू पाई आई इंटू ए। अब इसका इंटीग्रेशन सिंपली एल एन एक्स हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा प्लस एल एन थ्री ए माइनस एक्स। अब ध्यान से देखिए एक्स का वैल्यू जीरो से ए हो जाएगा, अब जब इसको हम इंटीग्रेट करें तो यहां से आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, यहां से वैल्यू बहुत सिंपल आएगा, म्यू नोट बाई टू पाई आई इंटू ए लॉग ए माइनस बी, लॉग ए बी होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी, तो ये क्या होता है लॉग ए बाई बी, और ये प्लस वाला वैल्यू क्या होगा, तो सिंपल जवाब है इसका पोजीशन पहले से मैक्सिमम, यानी कि इसका जो थिकनेस है वो मैक्सिमम ए होगा और मिनिमम ए होगा, क्योंकि पोजीशन पहले से ए है, और मैक्सिमम क्या हो सकता है ए से 2a, तो यहां से मिनिमम ए और मैक्सिमम 2a, ए से 2a, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान था, क्योंकि यही वाला हम लिया है, ये वाला हम नहीं लेके चले, क्योंकि इससे इंटीग्रेशन इस पोजीशन में रहेगा तो इंटीग्रेशन करना आसान हो जाएगा। इसका क्या हो गया x का डिफरेंशिएशन dx, तो इसका क्या हो गया ln x। अब इसका डिफरेंशिएशन ऊपर होना चाहिए, जबकि नेगेटिव साइन होना चाहिए, तो नेगेटिव साइन नहीं था, तो एक नेगेटिव साइन हम लगा दिए,
तो ये आपका डिफरेंशिएशन log a माइनस log b log a by b होता है, और log a प्लस log b log a b हो जाता है। तो ये log वाला भी प्रॉपर्टीज आप यूज कर ले, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो अपर लिमिट पुट कीजिएगा, तो अपर लिमिट क्या हो जाएगा यहाँ पे, अपर लिमिट 2a और लोअर लिमिट a, तो यहां से आपका क्या हो जाएगा ln 2 आ जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया, फ्लक्स का वैल्यू। अभी तक हम क्या लाए थे, पहले लाए मैग्नेटिक फील्ड, उसके बाद क्या लाए हम, मैग्नेटिक फ्लक्स लाए। पहले हम मैग्नेटिक फील्ड लाए, उसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स लाए। अब इन दोनों के हेल्प से म्यू नोट बाय 4 पाई, अब ध्यान से देखिए, 2 पाई आई बाय ए एलन टू। अब ध्यान से देखिए, जब हम इसमें अपर लिमिट 2a पुट कीजिएगा, तो 2a अपॉन a, तो ये आपका एलन टू हो जाएगा। यहां से अगर देखें तो जब हम अपर लिमिट क्या पुट करें, 2a, तो ln 2a डिवाइडेड बाय a, और उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ln जब हम a रखेंगे तो a डिवाइडेड बाय 2a हो जाएगा। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, म्यू नोट बाय 2 पाई आई ए, और ये आपका क्या हो जाएगा ln 2, और ये आपका क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, अब ध्यान से देखिए, ऐसे लिख सकते हैं इसको, माइनस ln 2 माइनस ln 1 बाई 2 ln 1 बाई 2। अब ध्यान से देखिए, एक में अगर हम अपर लिमिट क्या होगा, तो ध्यान से देखिए, इसका पोजीशन पहले से a है, और ये मैक्सिमम क्या हो सकता है, तो ध्यान से देखिए, मैक्सिमम इसका पोजीशन यहां से 2a हो सकता है, अब मिनिमम इसका जो पोजीशन है वो पहले से ही a है, तो इसका लिमिट में हम क्या रखेंगे, लोअर लिमिट a और अपर लिमिट 2a, पहले से a है, मैक्सिमम 2a जा सकता है। तो इसका थिकनेस क्या होगा, इसका लंबाई, यानी कि इसका जब हम एरिया निकाल लेते, फ्लक्स में क्या चाहिए, फ्लक्स में चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, जो कि हम पहले निकाल लिए, बी डॉट ए एरिया, तो एक साइड को हम क्या रखें a, और दूसरे का थिकनेस से मल्टीप्लाई किए, और इसका जो थिकनेस है उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, a से 2a, तो वही हम रखें, मिनिमम a और मैक्सिमम 2a, तो इंटीग्रेट किए, इंटीग्रेशन बहुत बेसिक सा इंटीग्रेशन था, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं म्यू नोट बाय 2 पाई आई ए, अब इसको हम ln 2, और इसको भी अगर हम ln 2 लिखना चाहे तो एक माइनस साइन ये हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस ln 2, यानी कि 2 ln 2 हो जाएगा। तो यहां से लिखेंगे तो म्यू नोट बाय 2 पाई आई इंटू ए 2 ln 2, 2 से 2 कैंसिल, तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, म्यू नोट बाय सिंपली पाई आई इंटू ए ln 2। अब इसको हम कैसे लिखें ln 1 बाय 2 को, तो ln 1 बाय 2 को वही वाला कंसेप्ट हम लेंगे, log a माइनस log b, और log 1 का वैल्यू 0 होता है चाहे बेस कुछ भी हो। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ln 1 माइनस ln 2, अब ध्यान से देखिए, एक माइनस साइन ये और एक पहले से था, तो माइनस माइनस प्लस, ये आपका आ गया क्या रिजल्ट। अब इस रिजल्ट को अगर यहाँ पे अगर हम लिखें कि अभी तक हमारा क्या आया, अभी तक हमारा रिजल्ट नहीं आया, अभी तक हमारा फ्लक्स आया। फ्लक्स क्या होता है, बी डॉट ए, इसमें एरिया में हम क्या लिखे, एक साइड को कांस्टेंट रखे थे ए, और दूसरे को क्या रखे थे डी एक्स, और डी एक्स थिकनेस क्या हुआ, उसका मिनिमम ए जो कि आपको दिख रहा है, और मैक्सिमम जो कि यहां से कितना डिस्टेंस पे होगा, तो यहां से 2a डिस्टेंस पे होगा, वही हम लिखे, मिनिमम ए मैक्सिमम 2a। इंटीग्रेशन बहुत सिंपल था, उसका डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है, तो डिफरेंशिएशन ln x आ गया। तो अभी तक हम क्या आया, फाई का वैल्यू, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड हम पहले निकाले, फिर मैग्नेटिक फ्लक्स निकाले, उसका वैल्यू क्या आया, म्यू नोट बाय पाई, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो गया, आई इंटू ए एलन 2। अभी तक तो फाई ही आया है, लेकिन हमको क्या लाना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि जब फ्लक्स में चेंज आता है, यानी कि डी फाई बाय डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ
मैग्नेटिक फ्लक्स दैट इज सिंपली इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसका वैल्यू इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर होता है। तो अभी हमारा रिजल्ट नहीं आया, जैसे कि हम बात कर रहे थे इसमें करंट वैरी करेगा, जब तक चेंज नहीं करेगा तब तक इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं आ सकता है। तो अभी तक हमारा रिजल्ट नहीं आया। अब हम इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो अब जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ दैट इज सिंपली इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स दैट इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो अभी तक फाई का वैल्यू, इतना मेहनत करने पे हमारा सिर्फ फाई का वैल्यू आया, वो क्या आया आपका म्यू नोट बाय पाई, और इसमें करंट जो चेंज कर रहा है वो क्या है आई नोट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी इंटू ए ln2 तो समथिंग कांस्टेंट है। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं और यहां से हम इंड्यूस्ड ईएमएफ लाने का कोशिश करेंगे, और यही बेसिक कंसेप्ट है इस चैप्टर का। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो ये इतना क्या आया आपका फाई, तो डी बाय डी टी। तो इसको हमको डिफरेंशिएट करना है, तो जो कॉन्स्टेंट टर्म है वो बाहर आ जाएगा, ln2 भी कॉन्स्टेंट है, ए भी कॉन्स्टेंट है, ln2 इंटू ए, और यहां पे क्या हो जाएगा आई नोट, ये भी कॉन्स्टेंट है, और यहां से आपका क्या है वेरिएबल, आपका क्या है सिर्फ आपका वेरिएबल साइन ओमेगा टी है, डिफरेंशिएट विथ डी टी। तो आई नोट ओमेगा नोट पाई ln2 इंटू ए, अब साइन का डिफरेंशिएशन आपको पता है कॉस ओमेगा टी, और यहाँ पे ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन आपका क्या हो जाएगा ओमेगा। तो ये आपका आ गया वैल्यू आई नोट म्यू नोट बाय पाई इंटू ओमेगा ln2 इंटू ए कॉस ओमेगा टी, ये आपका क्या आ गया इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू आपका आ गया। अब ध्यान से देखिए इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू यहां से आपका आ गया क्या आया, तो ये समथिंग कांस्टेंट है कॉस ओमेगा टी, और आपसे पूछा क्या था कि इसका ग्राफ बताइए किसके साथ, टाइम के साथ। उसके अपर प्लेट पे ये आपका क्या था कैपेसिटर था, जिसका कैपेसिटेंस आपको सी दिया हुआ है, इसके अपर प्लेट पे कितना चार्ज होगा। अब कैपेसिटर पे चार्ज का फॉर्मूला सिंपल है क्यू बराबर सी वी। आपको क्या चाहिए, आपको V निकल गया दैट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ, अ C कैपेसिटेंस जो कि आपको दिया हुआ था। तो अब ये क्वेश्चन आपका आसान हो गया। मेन ये क्वेश्चन आपको पूरा कंसेप्ट सिखा देता है ईएमआई का, करंट में चेंज किए, करंट किस रेट से चेंज कर रहा था, तो ये साइनोसाइडल फंक्शन था साइन ओमेगा टी, इस रेट से ये चेंज कर रहा था आई नोट साइन ओमेगा टी, मतलब आपके करंट चेंज, इसमें करंट चेंज किए तो करंट चेंज के वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, वो इक्वेशन क्या था मैग्नेटिक फील्ड वाला हम पहले बता दिए। तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स के चेंज होने से यहां पे नए टाइप का ईएमएफ जनरेट हुआ, और इसका कैपेसिटेंस आपको पहले से पता है सी, तो जैसा कि पता है चार्ज क्या होगा तो क्यू बराबर सी भी, और यही नहीं पूछा उसका ग्राफ पूछा। तो अब आप हर चीज निकाल सकते हैं। अब ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है, नॉट ए बिग डील। तो जैसा कि चार्ज, चार्ज ऑन अपर प्लेट ऑफ कैपेसिटर, अपर प्लेट ऑफ कैपेसिटर, तो क्या हो जाएगा Q बराबर सिंपली सी वी, वी का वैल्यू आपका आ गया इंड्यूस्ड ईएमएफ, कैपेसिटेंस तो चेंज होने वाला नहीं है, ईएमएफ भी आपको पता हो गया सी कैपेसिटेंस से, वी का वैल्यू आपको पता है क्या है आपका आई नोट म्यू नोट बाय पाई ln2, ये आपका वैल्यू है, और ये ए, ए से मल्टीप्लाई कर दिए कॉस ओमेगा टी,
कॉस ओमेगा टी, ये आपका वैल्यू आ गया, चार्ज का वैल्यू आपका आ गया। अब इसका अगर ग्राफ चाहिए तो ये सब तो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म को हम के ले लेते हैं, ये सारा कांस्टेंट टर्म में, और आपका क्या आ गया कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी ये आपका वैल्यू हो गया। अब कॉस ओमेगा टी का फंक्शन आपको पता है कैसे आएगा, सिंपल सवाल थे, उसका फंक्शन क्या है, इस टाइप से इसका ग्राफ आएगा। तो इधर आपका क्या हो जाएगा, इधर चार्ज इधर टाइम, तो कॉस का फंक्शन सिंपल सवाल थे यही है, इस रेट से इसका चेंज करेगा, पहले मैक्सिमम फिर घटेगा फिर ज्यादा घटेगा यहाँ पॉइंट पे, तो ये किस पॉइंट पे आता है, तो ये पाई बाई टू पे आता है, ये आपका थ्री पाई बाई टू पे आता है, तो उसका ग्राफ कुछ कैसा होगा, तो ऐसा होगा। तो इसमें ये आ गया, अब आपको सब कुछ निकाल सकते हैं कि चार्ज क्या होगा कैपेसिटर पे, तो क्यू बराबर सी बी, वी आपका निकल गया, अब मिसिंग है तो ओमेगा से भी मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब ध्यान से देखिए, इसका ग्राफ थोड़ा और क्लियर हम बनाने का कोशिश करते हैं। अब तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ ही गया है, ग्राफ थोड़ा क्लियरली, और इसमें एक चीज और पूछा है कि आप बताइए आई मैक्स का वैल्यू क्या होगा, आई मैक्स, तो आई मैक्स का वैल्यू आपसे पूछा है कि इसमें मैक्सिमम करंट क्या होगा, तो मैक्सिमम करंट क्या हो सकता है, अब ध्यान से देखिए, मैक्सिमम ईएमएफ आई मैक्स का वैल्यू आपसे पूछा है, तो आई मैक्स का वैल्यू, तो जैसा कि आपको पता है चार्ज आपका आ गया, चार्ज का वैल्यू क्या आया, तो सी कैपेसिटेंस, और आई का वैल्यू यहां से, तो यहां से वी का वैल्यू, क्यू बराबर जैसा कि आपको पता है क्यू बराबर सी वी, तो यहां से आई इंटू म्यू नोट बाय पाई एल एन टू ओमेगा इंटू ए, और ये आपका क्या हो गया कॉस ओमेगा टी, ये आपका क्या आया, ये आपका चार्ज आया, ये आपका चार्ज आया, और इसी का आपको उसके बाद हम क्या आएंगे, चार्ज के बाद हम आएंगे इसके, ये तो आपका क्यू का वैल्यू आया, उसके बाद हम करंट के ऊपर भी आएंगे। तो इसका अगर हम ग्राफ बनाते हैं, क्लियर अगर ग्राफ इसका हम बनाएं, ये इधर क्या होगा, इधर टाइम और इधर हम चार्ज रखें, तो ध्यान से देखिए ये सब तो कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो समथिंग इसको क्या लिख देंगे, ये सारा के इंटू कॉस ओमेगा टी, और के जगह पे क्या हो जाएगा, के जगह पे ये सारा कॉन्स्टेंट सी आई नोट ओमेगा नोट बाय पाई एल एन टू ओमेगा इंटू ए, ये सारा आपका कॉन्स्टेंट में आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ये कुछ ऐसा होगा, जीरो कहां होगा, जीरो अक्सर होता क्या है पाई बाई टू पे, तो यहां पे किस पे होगा, तो यहां भी पाई बाई टू पे ही होगा, पाई बाई टू ओमेगा पे हो जाएगा। अब ध्यान देखिए पाई बाई टू ओमेगा पे ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और ये वाला ये आपका हो जाएगा थ्री पाई बाई टू बाय ओमेगा पे, तो टी का वैल्यू इतना होगा, तो ये जीरो होगा। अब ये वाला पॉइंट इस पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम होता है, तो मैक्सिमम, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये आपका पाई पाई, ये आपका क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय क्या कर रखेंगे ओमेगा। अब ये आपका ध्यान से देखिए, ये पाई बाई टू, ये आपका क्या हो जाएगा पाई, बीच में पाई आएगा, थ्री पाई बाई टू के बीच में कहीं ना कहीं पाई आएगा, ये इस टाइप से चलता रहेगा, यहां पे ये क्या होगा जीरो होगा, ये इस टाइप से इसका शेप चलता रहेगा। इस कॉन्स्टेंट टर्म से रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी इसका ग्राफ इस टाइप से चलता रहेगा। ग्राफ किस पे डिपेंड करता है, आप ध्यान से देखिए, ये कहां से ऑनलाइन है, तो कॉस को जीरो कीजिए, ये बहुत आसान है, कॉस ओमेगा टी जीरो, जीरो किस पे होगा, तो पाई बाई टू पे होगा, कॉस ओमेगा टी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, यानी कि यहां से क्या हो जाएगा, कॉस जीरो कब होता है, कॉस पाई बाई टू पे, यहां पे तो वही होगा, तो ओमेगा टी दैट इज इक्वल टू पाई बाई टू, तो यहां से टी का वैल्यू क्या हो जाएगा पाई बाई टू बाय ओमेगा, एग्जैक्टली वही आया आपका। फिर आप लिखिए कि दूसरा बार ये जीरो कब होगा, तो थ्री पाई बाई टू पे, कॉस जीरो यहां पे होगा, तो थ्री पाई बाई टू, तो यहां पे क्या हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, एक तो पाई बाई टू पे होगा, दूसरा थ्री पाई बाई टू पे होगा, एग्जैक्टली वो। और अब ध्यान से देख, कॉस मैक्सिमम कब होता है, तो मैक्सिमम इस पॉइंट पे होगा,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस जीरो दैट इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी, तो यहाँ से आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो पे होगा फिर पाई पे होगा तो कॉस पाई, तो यहाँ से क्या ओमेगा टी दैट इज इक्वल टू पाई, तो यहाँ से टी क्या हो जाएगा पाई बाय ओमेगा, ये आपका पाई बाय ओमेगा इस टाइप से चलता रहेगा, ये इसका शेप यही होगा। कॉन्स्टेंट टर्म ये वाला जो है इससे कोई रिजल्ट पे फैक्ट नहीं पड़ेगा, फैक्चुअल चेंज इससे कुछ भी नहीं आएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके अगले पॉइंट पे आते हैं। आपसे पूछा कि मैक्सिमम करंट क्या होगा, तो चार्ज तो आपको पता चल गया, क्यू बराबर सीवी भी निकाले, पोटेंशियल निकाल लिए, उसको कैपेसिटेंस से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा चार्ज आ गया। अब आपसे पूछ रहा है कि इसमें बताइए कि मैक्सिमम करंट क्या होगा, यानी कि ये जो चार्ज मैक्सिमम करंट करंट ऑन कैपेसिटर। अब ध्यान से देखिए, अब आपसे पूछा है करंट बताइए, चार्ज तो ठीक है, चार्ज का इक्वेशन भी हम ले आए, अब करंट होता क्या है, तो आई कुछ नहीं होता डीक्यू बाय डीटी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो चार्ज तो आपके पास पता है, अब इसको क्या करेंगे, एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्योंकि हमको करंट चाहिए और करंट मैक्सिमम चाहिए, तो पहले हमको करंट तो पता चल जाना चाहिए, उसके बाद हम निकाल लेंगे। तो चार्ज आपको पता है, उसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डी क्यू का वैल्यू आपको पता है, तो वो कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, सी आई नोट म्यू नोट बाई पाई एल एन टू इंटू ए इंटू ओमेगा, और इसमें कॉस ओमेगा टी ये भी आपका आ जाएगा डिवाइडेड बाय डीटी, ये आपका आ जाएगा करंट। अब ध्यान से देखिए, जो कांस्टेंट टर्म है वो तो बाहर आ जाएगा, क्या है कांस्टेंट टर्म, सी आई नोट म्यू नोट बाय पाई एल एन टू ए इंटू ओमेगा। अब कॉस का डिफरेंशिएशन, कॉस का क्या होता है माइनस साइन, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, यहां पे माइनस साइन हो जाएगा साइन ओमेगा टी। अब इसका डिफरेंशिएशन, अंदर वाले का डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा सिंपली ओमेगा हो जाएगा, ओमेगा टी में ओमेगा हो जाएगा, ये आपका आ गया क्या आई का वैल्यू, यानी करंट ऑन कैपेसिटर, कैपेसिटर पे करंट का वैल्यू। और अगर आपको मैक्सिमम करंट चाहिए, अब ध्यान से देखिए, मैक्सिमम करंट चाहिए तो साइन का वैल्यू, तो ये आपका करंट का वैल्यू क्या आ गया, सी म्यू नोट बाय पाई आई नोट एल एन टू, ये सब तो कांस्टेंट है, ओमेगा इंटू ए फिर एक ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा साइन ओमेगा टी, नेगेटिव साइन ये है। अब ध्यान से देखिए, आपको क्या चाहिए आई मैक्स का वैल्यू, इसमें तो सब कांस्टेंट है सिवाय ये वेरी कर रहा है, और साइन का मैक्सिमम वैल्यू, तो साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा लाइज बिटवीन माइनस वन टू वन, इसका मैक्सिमम वैल्यू वन हो जाएगा, तो यहां से रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका, सी म्यू नोट बाई पाई आई नोट एल एन टू ओमेगा स्क्वायर ए, बस ये आपका आ गया मैक्सिमम वैल्यू। यानी कि आपको अगर आपसे पूछे कि इस कैपेसिटर पे मैक्सिमम करंट क्या होगा, तो चार्ज है उसको हम क्या कर लिए, एक बार डिफरेंशिएट कर लिए, और यहां से आपका वो वैल्यू आपका आ गया क्या, चार्ज कुछ करंट कुछ नहीं होता, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज दैट इज सिंपली करंट। तो एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए, और साइन का मैक्सिमम वैल्यू वन होता है, तो ये वाला वैल्यू वन हो जाएगा, ये टोटल वैल्यू को रिप्लेस कर दीजिए वन से, इसको हटा के हम रिप्लेस कर देंगे वन से। सो दिस इज गुड प्रॉब्लम, दिस इज आस्क इन जेईई।